हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है मैंने जक्या, हाँ गढ़वालियों का जो छौंक होता है वो, और डाला है गार्लिक चॉप करके, और प्याज डाले 2 से 3। और प्याज को हल्का सा ब्राउन फ्राई करेंगे। और अब इसमें टमाटर डालेंगे और डालेंगे हरी मिर्च। टमाटर मैंने 1 लिया है और हरी मिर्च लिए मैंने 2, और टमाटर मेरा थोड़ा सा बड़ा था इसलिए 1 ही लिया है, और इसको फ्राई कर लेंगे ताकि गल जाए हमारा टमाटर अच्छे से। इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे हल्दी, और अब इसको फ्राई करेंगे, इससे हमारे टमाटर जो है जल्दी से गल जाएंगे। बाकी मसाले बाद में डालेंगे। और अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है 1/2 चम्मच, और डाला है कोरिएंडर पाउडर 1/2 चम्मच, और रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है मैंने। और टमाटर हमारे देखिए गल गए हैं, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें ताकि जो है हमारे मसाले जले ना और कलर ना चेंज करें अपना। और ये जो मैं सब्जियां आपको बता रही हूँ बनाना, ये हर कोई बना सकता है, जो बच्चे पीजी में रहते हैं या फिर जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने आप सिंपल सा खाना बना सकते हैं ये। और मैंने कैबेज डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से हम धोएंगे पहले कैबेज को 2 से 3 पानी में, और हल्का मैंने इसको उबाल भी दिया था गुनगुने पानी में, और फिर इसको ड्रेन करके, और उसके बाद हम इसको सब्ज़ी में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में अब सब्ज़ी को। और इसमें मैंने आलू नहीं डाले हैं। कैबेज मैंने 1/2 किलो के आसपास ली भी है। इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, और डिनर में भी आप ले सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में ले जा सकते हैं बच्चे बड़े सब, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और मिक्स हो गई है सब्जी में मसाला अच्छे से, तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक, और देखेंगे हम अब खोल के ढक्कन हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है या नहीं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। ये सिंपल और इजी रेसिपी है, इसको आप घर पर कभी भी बना सकते हैं, और जो लोग सिंगल रहते हैं वो भी इसको आराम से बना सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट रहते हैं पीजी वगैरह में, उनके लिए बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।